अमेजिंग फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। फैक्ट नंबर 10, चीन के ज्यादातर लोग प्लास्टिक सर्जरी के लिए साउथ कोरिया जाते हैं, लेकिन फिर जब वो चीन वापस आते हैं तो तब उन्हें भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। असल में उनका बदला हुआ चेहरा ही उनकी समस्या की वजह बन जाती है। दरअसल महंगी और हाई क्वालिटी प्लास्टिक सर्जरी करवाकर चीन लौटने वाले शख्स का चेहरा पासपोर्ट फोटो से नहीं मिल पाता, इस वजह से उन्हें लंबे वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। फैक्ट नंबर 9, इतिहास में एक ऐसा भी मौका आया था जब एक लाश को कटघरे में रखकर उस पर लगे आरोपों की सुनवाई की गई। जनवरी 1897 में बिशप ऑफ रोम स्टीफन 5 ने 7 महीने पहले मर चुके अपने प्रीडेसेसर पोप फॉर्मोसस की लाश को कब्र से निकालकर उस पर लगे आरोपों पर सुनवाई की थी। पोप फॉर्मोसस पर आरोप था कि उसने पोप का पद गलत तरीके से हासिल किया था। सुनवाई के दौरान उसकी लाश को एक कुर्सी पर बैठाया गया। पोप फॉर्मोसस पर आरोप सिद्ध हो गए। इसके बाद उसकी 3 अंगुलियां काटकर फिर से दफन कर दिया गया। इसके बाद दोबारा उसकी लाश को कब्र से निकाला गया और लाश में भारी वजन बांधकर उसे नदी में फेंक दिया गया। विडंबना तो ये थी कि ये सारा नाटक एक धार्मिक पद के लिए हो रहा था। फैक्ट नंबर 8, एक देश के रूप में इंडिया कितना आगे बढ़ चुका है, ये बात समझने के लिए बस एक फैक्ट ही काफी है कि वर्ष 1947 में इंडिया को कनाडा की ओर से पेंसिलिन के कुल 93 डोज मिले थे, और वो भी स्पेशल रिक्वेस्ट पर। और आज इंडिया ने कनाडा को कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज भेजी है। कनाडा में कई जगह पर पोस्टर लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए शुक्रिया भी कहा गया है। अगर हम इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। फैक्ट नंबर 7, हम मिडिल क्लास लोग सोने से बनी ज्वेलरी ही खरीद लें, बड़ी बात होती है, लेकिन अगर आप भी अपनी जिंदगी में सोने से बनी दूसरी चीजों का उपयोग करना चाहते हैं तो फिर अब आपका ये शौक पूरा हो सकता है, और वो भी सिर्फ 100 रुपए में। दरअसल पुणे के अविनाश बोरुंदिया नाम के एक नाई शेविंग के लिए सोने से बना रेजर उपयोग करते हैं। इस रेजर की कीमत है 4 लाख रुपए। अविनाश अपने यहाँ आने वाले सभी कस्टमर्स की शेविंग इसी रेजर से करते हैं। सोने से बने रेजर से शेविंग कराने के लिए आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। कुछ पल के लिए ही सही, इस रेजर से शेविंग कराने पर आपको अमीरों जैसा तो एहसास होता ही होगा। नंबर 6, भले ही हमारी बॉडी गोल्ड की तरह चमकदार नहीं, लेकिन अब आप अपनी टट्टी को गोल्ड की तरह चमकदार जरूर बना सकते हैं, और इसके लिए बस आपको 30,000 रुपए खर्च करने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि लेकिन ये काम होगा कैसे, तो इसके लिए आपको डाइजेस्टेबल शिट गोल्ड पिल्स खरीदने होंगे। सोने से बने ये पिल्स आपको खाने होंगे। इसके बाद ये डाइजेस्ट होकर आपकी टट्टी को सोने की तरह चमकदार बना देगा। इस एक पिल्स की कीमत लगभग 30,000 रुपए है। लो जी, दुनिया में बस अब यही देखना बाकी रह गया था। नंबर 5, दो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ का उपयोग तो हम सब करते हैं, लेकिन क्या आप इसके नाम के पीछे का इतिहास जानते हैं? ब्लूटूथ का नाम जिस शख्स के नाम से प्रेरित है, उनका नाम भी कुछ हद तक ब्लूटूथ जैसा ही था, मतलब कि दो चीजों को जोड़ने का। ब्लूटूथ का नाम स्कैंडिनाविया के राजा हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया। हेराल्ड ब्लूटूथ सन 958 से 986 तक स्कैंडिनाविया के राजा थे। इन्होंने अपने शासनकाल में शांतिपूर्वक तरीके से स्वीडन और नॉर्वे को जोड़कर एक कर दिया था। इवन ब्लूटूथ का लोगो भी उस दौर में उपयोग किए जाने वाले रूनिक अल्फाबेट के H और B लेटर को मिलाकर बनाया गया। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम कौन सा है? ये रिकॉर्ड हमेशा हिमेश रेशमिया के एल्बम आपका सुरूर के नाम पर है। इस एल्बम की कुल 55 मिलियन कॉपीज बिकी। वहीं अगर दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले एल्बम की बात करें तो ये रिकॉर्ड माइकल जैक्सन के एल्बम थ्रिलर के नाम पर है। इस एल्बम की 65 मिलियन कॉपीज बिकी। नंबर 3, ताइवान के डिजाइनर यी पेई चेन ने एक ऐसी बंदूक विकसित की है जो आपके आंसुओं को गोली के रूप में बदल सकता है, और फिर आप खुद को रुलाने वाले शख्स को अपने आंसुओं से ही जवाब दे सकते हैं। ये बंदूक काम ऐसे करती है कि जब आपको रोना आने लगे तो फिर आपको अपनी आंखों के पास सिलिकॉन कप वाला एक मास्क लगाना होता है। ये मास्क आंसुओं को कलेक्ट करके एक ट्यूब में जमा करता है। ट्यूब में आंसू फ्रीज होकर गोली के आकार में ढल जाते हैं। इसके बाद टियर गन का इस्तेमाल करके आंसू की इन गोलियों से किसी पर भी हमला करके उसे जख्मी कर सकते हैं। शायद अखियों से गोली मारे के बाद अब आंसुओं से गोली मारे वाले लिरिक्स का गाना भी जल्द ही आ सकता है। फैक्ट नंबर 2, तेलंगाना में इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है, जो कि इसी साल मई महीने में तैयार होकर काम करना शुरू कर देगा। इस फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की कैपेसिटी 100 मेगावाट है, जिसमें कुल 4.5 लाख फोटोवोल्टेइक पैनल्स लगाए गए हैं, और इसे बनाने में लगभग 423 करोड़ रुपए का खर्च आ गया है। फैक्ट नंबर 1, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पहले ऐसे भारतीय एक्टर बन गए हैं जिन्हें FIAF अवार्ड से नवाजा जाएगा। उन्हें ये अवार्ड फिल्मी विरासत के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की वजह से मिलेगा। मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन और मार्टिन स्कॉर्सेज़ अमिताभ बच्चन को इस अवार्ड से सम्मानित करेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा रोचक लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।